लेट जाओ जिसने चादर ओढ़नी है चादर ओढ़ ले और जल्दी से जल्दी निश्चल हो जाओ। बाजू साइड में रहेंगे और पतेलियां आसमान की ओर रखेंगे। हम अपनी पलकों को धीरे धीरे नीचे गिरने दें। तनिक भी जोर नहीं लगाना है, कुछ करना नहीं है, सोना भी नहीं है, जागना भी नहीं है, केवल आवाज कानों में पड़नी चाहिए, शब्द समझ में आए या ना आए, आवाज कभी धीमी होगी कभी तेज, बस सुनते रहना। सबसे पहले फेफड़ों में से बासी हवा मुंह के रास्ते निकालें और ताजा हवा नाक के रास्ते भरें। फिर सांस स्वाभाविक रूप से चलती रहेगी। अब अपना वजन असेस करें। अपने वजन का अंदाज लगाएं और उसको धरती पर रख दें। नींद को रोको। जो वजन बाकी बचा है अब उसको भी धरती पर रख दें। लंबा सांस लें और अब आखिरी बार पूरा का पूरा वजन आप धरती पर रख दें। तनिक भी जोर नहीं लगाना है। नींद को रोकिए और दाएं पैर के अंगूठे और उंगलियों का ख्याल करें। उनमें लाइफ फोर्स को फील करो, यानी चेतना को महसूस करो। अब आप चेतना को सर की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे विड्रॉ करते जाएंगे। पंजे से पैर का तलवा, तलवे से एड़ी, तखना, पिंडली, घुटना, थाई, टांग और फिर चेतना को ऊपर सर के अंदर ले जाएं। लंबा सांस लें और बाएं पैर के अंगूठे और उंगलियों को महसूस करें और चेतना को धीरे धीरे पंजे से पैर का तलवा, तलवे से एड़ी, तखना,
पिंडली, घुटना, थाई, जांघ और फिर चेतना को ऊपर सर के अंदर ले जाएं। अब आप एनल रीजन यानी गुड्डे के क्षेत्र का ख्याल करें, वहां चेतना को महसूस करें और उस चेतना को रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर सर के अंदर ले जाएं। तनिक भी जोर नहीं लगाना है। अब लंबा सांस लें और छोड़ें। हिलना नहीं है, अब मूवमेंट नहीं होना है। अब दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों का ध्यान करें। वहां चेतना को महसूस करें और उस चेतना को उंगलियों से हथेली, हथेली से कलाई, कलाई से कोहनी, बगल, बगल से असली की हड्डी से कंधे और फिर चेतना को ऊपर सर के अंदर ले जाएं। हिलना नहीं है, अब बाएं हाथ का ध्यान करें। बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों को महसूस करें और धीरे धीरे चेतना को उंगलियों से चेली, चेली से कलाई, कलाई से कोहनी, बगल, बगल से असली की हड्डी से कंधे और फिर चेतना को ऊपर सर के अंदर ले जाएं। सांस भली प्रकार से चलता रहेगा। अब नाभि का ध्यान करेंगे। नाभि से सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय नाभि में चेतना को अनुभव करें। फिर चेतना को ऊपर सर के अंदर ले जाएं। चित्त की वृत्ति को जोर से एकाग्र नहीं करना है। अब उस स्थान का ध्यान करें जहां हमारी रिब्स मिलती है, हमारी पसलियां मिलती हैं और उस स्थान पर चेतना को अनुभव करें। सांस छोड़ते समय भी और सांस लेते समय भी तनिक भी जोर नहीं लगाना है। फिर लंबा सांस लेते हुए चेतना को ऊपर सर के अंदर ले जाएं। नींद को रोको, सोना नहीं है। सांस भली प्रकार से चलता रहेगा।
अब आप में अपने मैंडिबल, अपने जबड़ों का ख्याल करना है, यानी दाएं जबड़े से चेतना को धीरे धीरे विड्रॉ करके सर के अंदर ले जाएं, फिर बाएं जबड़े से उसी तरह धीरे धीरे चेतना को सर के अंदर ले जाएं। अब थोड़ी का ध्यान करें और थोड़ी से चेतना को धीरे धीरे सर के अंदर ले जाएं। दाई चीक बोन का ध्यान करेंगे, दाई चीक बोन से धीरे धीरे चेतना को सर के अंदर ले जाएं। चित्रा दाई चीक बोन से धीरे धीरे चेतना को सर के अंदर ले जाएं। हिलना नहीं है, अब आप अपने होठों का ध्यान करें और वहां से चेतना को धीरे धीरे सर के अंदर ले जाएं। दाई नासिका का ध्यान करें और वहां से चेतना को धीरे धीरे माथे से होते हुए सर में ले जाएंगे। चित्रा बाई नासिका से धीरे धीरे चेतना को माथे से होते हुए सर में ले जाएंगे। नींद को रोकिए और आंखों से चेतना को सर के भीतर ले जाएंगे। पहले बाई आंख से, फिर दाएं हाथ से, अब कानों से चेतना को सर के भीतर ले जाएंगे। पहले दाएं कान से, फिर बाएं कान से। नींद को रोकिए, सोना नहीं है। अब आपके सर में शरीर के सब अंगों की चेतना आ गई है। चेतना का अनुभव करेंगे, स्वाभाविक सांस लें और छोड़ें। अब सर के भीतर जाएं, वहां एक दीपक पीली पीली रोशनी फैला रहा है और उस रोशनी में आपके शरीर के सब अंगों की चेतना तैर रही है, फ्लोट कर रही है, जैसे हवा में गैस भरे गुब्बारे छूटने पर फ्लोट करते हैं। अब गुब्बारे गैस के भरे आसमान की ओर उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। उन गुब्बारों को अनुभव करो, उनका ख्याल करो और उनको आसमान में धीरे धीरे लुप्त होते हुए अनुभव करो। अब आपके
शरीर के सब अंगों की टेंशन लुप्त हो रही है, लुप्त हो रही है, लुप्त हो रही है। लंबा सांस लें और छोड़ें। अब आप अपने शरीर की सभी कैविटीज में, सभी गुहिकाओं में छोटे बड़े दीपक पाएंगे। हम एक एक करके सभी गुहिकाओं में, सभी कैविटीज में जाएंगे। सबसे पहले सर से नीचे बक्कल कैविटी, मुंह की जो गुहिका है वहाँ पे एक छोटा दीपक जलता है, उसकी पीली पीली रोशनी में मुंह के तमाम अंग, जीवा क्या, दांत क्या, टॉन्सिल्स क्या, सारे अंग फ्लोट कर रहे हैं, ऐसे बह रहे हैं, तैर रहे हैं, जैसे पानी में कश्तियां तैर रही होती हैं। आप नीचे जाएंगे तो चेस्ट में, छाती में, सीने में आपको दीपक मिलेगा। आपके सीने में एक दीपक चल रहा है, दीपक पीले रंग की जो लाइट दे रहा है उसमें दोनों फेफड़े और हृदय ऐसे फ्लोट कर रही है जैसे उनका कोई वजन ही नहीं है, जैसे हवा में गिरते हुए पंख। इन पंखों को महसूस करो, इन पंखों को फील करो, इन पंखों का अनुभव करो और महसूस करें आपके हृदय की धमनियों के सब अवरोध, कोशिकाओं के सब अवरोध समाप्त हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं और आपके हृदय में रक्त प्रवाह सुचारू हो रहा है। आपके श्वासों के साथ साथ जो स्वाभाविक रूप से चल रहे हैं, अब दोनों फेफड़ों को महसूस करें, उनको फ्लोट होते हुए महसूस करें, उनका ख्याल करें। लंबा सांस लें और छोड़ें। नींद को रोकिए और पेट में नाभि के नीचे के दीपक को देखें। ये दीपक पीली लाइट जो दे रहा है पूरे पेट को भर रही है। इस रोशनी में पेट के अंदर के सब अंग, क्या स्टमक, क्या जठार, क्या लिवर, क्या जिगर, क्या गॉल ब्लैडर, क्या पित्ताशय, क्या गुर्दे, क्या आंतें, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, क्या पेनक्रियास, क्या स्वादुपिंड, सब के सब रोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, जैसे उनका वजन ही नहीं है, जैसे हवा में बादल फ्लोट कर रहे हैं,
उनको फ्लोट करते हुए महसूस करें और एक एक ऑर्गन का ख्याल करेंगे, यथार्थ का ख्याल करेंगे, जिगर का ख्याल करेंगे, पिताशय का ख्याल करेंगे, जिसके सब अवरोध धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। गुर्दों का ख्याल करेंगे, जिनके सब अवरोध धीरे 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 समाप्त हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। आंतों का ख्याल करेंगे और स्वादुपिंड का ख्याल करें, जहां से ऐसी वर्षा हो रही है, इंसुलिन की वर्षा हो रही है, ऐसे वर्षा हो रही है जैसे आकाश से बादलों से फुहार गिर रही होती है, जैसे शरद ऋतु में आकाश से आसमान से ओस गिर रही होती है। अब आप लंबा सांस लें और छोड़ें, पेट के नीचे पेड़ू की गुहिका में, फूलों की गुहिका में, रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहाँ आपको एक दीपक मिलेगा। वो दीपक जो येलो लाइट दे रहा है, उस पीली पीली रोशनी में कूले की गुहिका के अंदर के सब अंग, सारे ऑर्गन फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, जैसे हवा में बादल फ्लोट कर रहे होते हैं। क्या मूत्राशय, क्या बड़ी आंतें, प्रजनन अंग सब फ्लोट कर रहे हैं। आप एक एक करके उनको महसूस करें, मूत्राशय को देखें, बड़ी आंतों को महसूस करें, प्रजनन अंगों का ख्याल करें और उनको फ्लोट करते हुए देखें। लंबा सांस लें और छोड़ें। अब आप निर्मल निर्मल चेतना सब अंगों को ट्रांसफर करेंगे, उनको स्थानांतरण करेंगे, धीरे धीरे धीरे, पहले आंखें, कान, नाक, होंठ, जबड़े, ठुड्डी, क्लेविकल्स, असली की हड्डियां, चेस्ट, सीने की गुहिका, नाभि, पेट, पेडू, फूलों की गुहिका, जांघें, घुटने, इंद्रियें, टखने, एड़ियें, पैरों के तलवे और पैरों के अंगूठे व उंगलियें, इसी तरह सर से
कंधे, हंसली की हड्डियां, बगलें, कोहनियां, कलाइयां, हथेलियां और हाथों की उंगलियों को स्थानांतरण करेंगे। अब निर्मल निर्मल चेतना अपने अपने स्थान पर स्थापित हो गई है और शरीर के सब जोड़ों को, सब गांठों को निर्मल कर रही है, स्फुरित कर रही है। आप अपने श्वास का ख्याल करें, वह सहज भाव से धीरे धीरे चल रहा है। अब आप सरस्वती माता का ख्याल करें जो आपके हृदय में विराजमान है। लंबा सांस लें और छोड़ते समय मन ही मन माता के चरणों में नतमस्तक हो जाएं, पूर्ण नतमस्तक हो जाएं, अपने मस्तक से माता के पांव को छुए, अपने मस्तक से माता के पांव को छुए और माता से भिक्षा मांगे आपको अपना तीज दान में दे, आपको अपना यान दान में दे, आपको अपनी आभा दान में दे। अब हम समाप्ति की ओर हैं। आपने अपने आप से कोई मूवमेंट नहीं करना है। हम तीन बार ओम सत्सत ओम का जाप करेंगे। उसको केवल सुनना है, कानों में आवाज पड़नी चाहिए बस। ओम सत्सत ओम ओम सत्सत ओम ओम सत्सत ओम। अब आप दाएं हाथ की उंगलियों को आपस में अंगूठे से सहलाएंगे, फिर दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें, खोलें। अब आप दाएं बाजू को हिलाएंगे। अब आप बाएं हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे, आपस में सहलाएंगे, बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करें, खोलें और फिर बाएं बाजू को हिलाएंगे। अब आप दाएं पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, सहलाएंगे, दाएं पैर के पंजे को आगे पीछे करेंगे, फिर दाएं टांग को हिलाएंगे और अब बाएं पैर की उंगलियों को आपस में सहलाएंगे, फिर बाएं पैर के पंजे को आगे पीछे करते रहिए। अब आप बाएं टांग को हिलाएंगे, उसके उपरांत टांगों को घुटनों से होल्ड करेंगे, इकट्ठा करेंगे, बाईं ओर करवट लेंगे, दाएं हाथ और बाईं कोहनी की हेल्प से आप उठकर सुखासन में बैठेंगे। अब आप हथेलियों को आपस में मसलेंगे और गरम गरम हथेलियों को आंखों पे रखेंगे तथा अपने मुख को सहलाएंगे, अपनी बाहों को सीधा करेंगे, सर के ऊपर ले जाएंगे
अंगूठे और उंगलियां आसमान की ओर रहेंगी और ये महसूस करेंगे कि पूरा आसमान आपने अपनी बाहों में समेट लिया है। फिर अपनी हथेलियों से अपनी बाहों को सहलाएंगे बाहर की ओर, उंगलियों में उंगलियां और अंदर की ओर हथेलियों से। एक बार फिर आप अपनी हथेलियों को सहलाएंगे और गरम गरम हथेलियों से अपने मुंह को सहलाएंगे। फिर अपनी आंखों को सहलाएं, अपने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव प्रकट करें और आंखों को धीरे धीरे खोलें। अब हाथों की हथेलियां गर्दन के पीछे रखेंगे, उंगलियां क्रॉस करती हुई कोनियां आसमान की ओर। तीन बार बोलेंगे अब आप सहज भाव से खड़े होंगे और प्रस्थान करेंगे। नमस्कार।